जय भीम। एससी और एसटी एक ही है, दो बिछड़े हुए भाई। मीडिया पर मुझे नहीं लगता है, ओ भाई लो फॉर्मेट है, फॉर्मेट की वजह से दो अलग अलग खेमे में हम लोग बटे हुए हैं। मैं डैनियल मुर्मू, राष्ट्रीय प्रचारक जय आदिवासी युवा शक्ति। आज सरकार और उनके तंत्र हमारे जयस के आंदोलन से थर्राए बैठे हुए हैं। हमारा मिशन है मिशन 2018, इसी जगह पे 1 करोड़ लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। हैरानी की बात है, लोग हैरान है। मैं बात करूंगा हमारे ये जो 1 करोड़ की जो बात आ रही है, लोग सोच रहे कल्पना मात्र है, लोग कल्पना सोच रहे, गवर्नमेंट भी सोच रहे कल्पना है। जब भीड़ यहाँ पे होगी तो सच्चाई सामने होगी। भाई ने जैसे बताया कि किस प्रकार से हमारा जो एक रिसर्च था आपके अंदर में, अपने बच्चों को आदिवासियों के बारे में बताया था। पहली बात आपको समझना है, क्योंकि कुछ लोग जो तिलक भाई लोग हैं, हम आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। क्या मैं आपको जानवर नजर आता हूं? वनवासी कौन है जो जंगल में जानवर रह रहे हैं? सोचिए उनकी मानसिकता, हमारी तुलना जानवर साथ की जा रही है। वनवासी आश्रम खोले जा रहे हैं, सर्कस में ट्रेन करते हैं ना जैसे जानवरों को, रिंग मास्टर। उनको नहीं मालूम कि आदिवासी कितना विकसित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति लोग सोचते खत्म हो गए, इतिहास बना दिए। भाई जी आप हमारे क्षेत्रों में आके देखिए, सिविल फाइट क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। संवैधानिक बातें कर रहा हूं, कल्पना नहीं कर रहा हूं। यहां बहुत सारे लोग आदर करते हैं हमारे बाबा भीम साहब साहब का। मैं आप लोग के लिए भी एक चैलेंज लेकर आ रहा हूं। उनका जय जयकार करने से वो जय के लायक है, पर क्या आप संविधान पढ़ते हैं? आपके घर में क्या संविधान की किताब है या धार्मिक किताबें हैं? जयस ने बेड़ा उठाया है, एक एक आदिवासियों के हाथ में ये संविधान की किताब देंगे। और जो सक्षम नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक एक जवान उसका अध्ययन कर रहा है, संचालन हो रहा है। 1000 के बराबर है, हम 1000 के बराबर है, ठीक है। और बहुत खास करके एक मीडिया का जो सवाल है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। खासकर IND24 में गिरालाल अलावा का हमारा संरक्षक है, युवा व्यक्ति है, उनसे पूछा गया कि आप फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं? क्या विदेशी फंडिंग है या कोई पार्टी से फंडिंग आ रही है? कहाँ से फंडिंग आ रही है? आदिवासी की खाली नहीं है, वो दूसरों को हमेशा दिया है, देश को बहुत सारे खनिज दिए हैं खुद बर्बाद होकर के। आज हमारे आदिवासी 1 किलो चावल और 1 रुपया का मुहिम है, सभी घर से इकट्ठा होते हैं और ये सेल्फ फंडेड आंदोलन है। मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि आपको बताए, और जितने मीडिया वाले हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, डिबेट के लिए तैयार हो जाइएगा। हमारे हर एक जवान आपका संत वाले जवाब देने के लिए तैयार।